मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गीडा के कालेसर स्थित मोक्ष धाम पर विशाल शिव प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष से ही कार्यक्रम का संचालन किया। आईजीएल कंपनी ने कार्यक्रम स्थल पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक शीतल पांडे, आईजीएल के सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आईजीएल गीडा को धन्यवाद देता हूँ। मोक्ष धाम कालेसर से जुड़े सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस कार्य में सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद रवि किशन भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने वहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इस दौरान वह शिव तांडव धुन पर जमकर झूमे। बता दें कि इस शिव प्रतिमा को लगाने में लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सब लोग हाथ लाके, सबे हाथ लाके, हरा हरा महा, अरे बम बम बोल। पूज्य महाराज जी बस खुद खुद समय में जुड़े वाला वर्णन, जैसे कि देखे वाला की महोत्सव में महाराज जी ने इबेर क्षेत्रीय कलाकारों को मौका दिया। पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश था और पूज्य महाराज जी की एक दूरदृष्टि जिसने आज देश में एक अलग ऊर्जा भरी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पथ पर चलते हुए निस्वार्थ त्यागी के रूप में पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री नंबर वन बन चुके हैं। कारण यह बा कि एक जगह प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, दूसरी जगह फिल्म सिटी बन रहा है, यहाँ गीडा है, यहाँ फर्टिलाइजर है, रुक जाओ। और एक चमुख एक चौतरफा विकास हमारे पूज्य महाराज जी की एक सोच। आज उत्तर प्रदेश जिसको दरिद्र प्रदेश बनाया था, आज यहाँ सिर्फ विकास हो रहा है, पूरे देश के इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। आज जिस इंडस्ट्री ने ये उद्घाटन किया, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसे अनगिनत लोग आ रहे हैं। फिल्म सिटी आ गया, रोजगार आ रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। पूज्य महाराज जी रामगढ़ झील में सी प्लेन उतारने की बात कर दिए, परसों 11 को जहाज उड़ रहा है। सबसे बिजी एयरपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एयरपोर्ट हो चुका है। 6 लेन 4 लेन का जाल बिछ गया है, हर जगह चौमुख विकास। और ये पूज्य महाराज जी की 50 साल बाद की सोच है, 100 साल बाद की सोच है। गोरखपुर में आज प्रॉपर्टी रेट देख लीजिए, गोरखपुर आज सबसे बड़ा हब हो गया है, टूरिस्ट और पर्यटन हब होगा। आप चिड़ियाघर आएगा, एम्स आएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश बिहार के सारे लोग यहाँ इलाज करने आएंगे। फर्टिलाइजर चीनी कारखाना, फिल्म सिटी जब लगेगा, भोजपुरी सिनेमा का केंद्र बनेगा, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये सोच आज एक सम्मान उत्तर प्रदेश, पूरा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश की ओर एक उम्मीद के साथ। सिर्फ और सिर्फ हमारे पूज्य महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, आज वही पूज्य महाराज जी हम लोगों से जुड़ने जा रहे हैं। हम चाहब कि जैसे महाराज जी पर्दा पे आई हन, एगो जोरदार नारा लगे के चाहिए हमारे महाराज जी के लिए, एगो जोरदार नारा लगे के चाहिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यही जज्बा अपने भारत के लिए रखना, यही जज्बा अपने तिरंगे के लिए रखना, तो कोई मुगल या कोई अंग्रेज फिर घुस नहीं पाएगा। ये एकता बरकरार रखना, तो कोई हम लोगों के टुकड़े नहीं कर पाएगा, कोई हम लोगों का नाश नहीं कर पाएगा। फिर एक अखंड भारत होगा, जिसका सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, पूज्य महाराज जी देख रहे हैं। अखंड भारत, हम लोगों की संस्कृति की रक्षा, हम लोगों की पहचान जीवित रहेगी आने वाले पीढ़ी के लिए, कोई खत्म नहीं। तो यही देश कांधार तक था, यही देश थाईलैंड तक था, मार के सब लोग छोटा कर दिए इसको। अब वो समय चला गया, 2014 में एक सूर्य ने जन्म लिया, इसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2017 में मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज आए और 3 साल में उत्तर प्रदेश एक अद्भुत प्रदेश बन गया।
2022 में महाराज जी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाना हम लोग ये वचनबद्ध है। बोलो हम लोग 2022 में एक ऐतिहासिक जीत अपने महाराज जी को दिलाएंगे, हाँ या ना? नाभि से आवाज आए के चाहे महादेव कपारे बैठल बाड़न, बोलो हाँ या ना? ऐतिहासिक जीत, दुश्मनों को परास्त करेंगे, ध्वस्त करेंगे। और उसके बाद में कहल जाए बसपा के बारे में कहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सपा के लोगन खातिर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। केजरीवाल भी मन करता वो आवा के सोचता, उनके भी बाबू तहर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 2 मिनट में महाराज जी जुड़े वाला बाड़न। इस बहुप्रतीक्षित पल पे आप शिव मूर्ति का लोकार्पण करें और जनता का उद्बोधन करें। आप सभी जनता से अनुरोध है, आप थोड़ा पीछे हट जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा का लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मूर्ति फोकस मोक्षधाम कालेश्वर पर विशाल शिव मूर्ति के इस लोकार्पण कार्यक्रम में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, सहजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री शीतल पांडे जी, जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ गोरखपुर में उपस्थित आईजीएल के सीईओ और इस पूरे संस्था के व्यवस्थापक शिवा शंकर भरतिया जी, आईजीएल के बिजनेस हेड सीएसके शुक्ला जी, मोक्ष धाम की परिकल्पना जिन्होंने की ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री परशुराम शुक्ल जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी और उपस्थित सहजनवा में उपस्थित विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आईजीएल गीडा को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहजनवा क्षेत्र के नागरिकों की भावनाओं को सम्मान देते हुए कालेश्वर के मोक्ष धाम में देवाधिदेव महादेव की इस भव्य प्रतिमा स्थापना के लिए अपना सहयोग दिया और आज इसका लोकार्पण संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और देवाधिदेव महादेव से आप सबके सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूं। वास्तव में मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, लेकिन जीवन की सत्यता को अक्सर हर व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है। हमें अक्सर इस बात को देख करके आश्चर्य होता है
कि जीवन की सच्चाई को जानने के बावजूद हर व्यक्ति इस सच्चाई को छुपाने का प्रयास करता है। मोक्ष धाम की परिकल्पना ये वास्तव में जीवन की उस सच्चाई को आम जन के सामने रखने और जीवन में स्वच्छता का महत्व क्या हो सकता है इसके प्रति जागरूकता का एक कार्यक्रम भी है। कालेश्वर के जिस स्थान पर मोक्ष धाम स्थापित हुआ है आज से 12-15 वर्ष पहले यहां पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पवित्र राप्ती नदी के तट पर बने थे इस स्थल पर गंदगी भी रहती थी और उसी स्थान पर लोगों को अंतिम संस्कार की क्रिया को भी संपन्न करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। श्री परशुराम शुक्ला जी के नेतृत्व में 2012-13 के बाद जो कार्य प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय रहा है और आज इस मोक्ष धाम को देवाधिदेव महादेव के इस पवित्र धाम के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो कार्य वहां पर संपन्न हुआ है यह न केवल जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के मन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की पूरी यात्रा में स्वच्छता सुव्यवस्था का क्या महत्व हो सकता है यह इसका एक उदाहरण बनेगा। दूसरा, जहां जाने से तो घबराते थे आज वहां पर देवादिदेव महादेव की भव्य प्रतिमा प्रत्येक नागरिक को सेल्फी लेने के लिए भी मजबूर कर देती है। थोड़ा सा परिवर्तन कैसे आम जनमानस के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन का वाहक बन सकता है यह हम लोग अभी इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यह प्रोजेक्ट अपने आप में जन सेवा का, जन सहभागिता का एक आदर्श नमूना बन सकता है। प्रत्येक नागरिक ने सहयोग किया, उनके कंट्रीब्यूशन से एक संस्था ने इतना अच्छा प्रकल्प वहां पर आम जन की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यह कार्य हम अपने दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भी इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के साथ हम सब जुड़ करके इसे इसी रूप में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकने में हम सक्षम हो सकते हैं। और मोक्ष धाम में भगवान शिव की यह भव्य प्रतिमा इस बात का उदाहरण भी है। ये कार्यक्रम इस बात का उदाहरण भी है कि समाज में देने वालों की कमी नहीं है लेकिन पात्रता तय करने की आवश्यकता है। पात्र लोग हो तो समाज मुक्त हस्त से हरेक कार्य के लिए अपनी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। मैं आज एक बार फिर से इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर IGL गीडा को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मोक्ष धाम कालेश्वर से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन की सच्चाई के इस केंद्र बिंदु को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है। एक बार फिर से
पशुराम शुक्ल जी को उनकी पूरी टीम को सेवा का यह क्रम अनवरत चलते रहना चाहिए, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ के गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद सैजनाथ के लोकप्रिय विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी पदाधिकारियों को, आम जनमानस को, आईजीएल क्रीडा से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को और साथ साथ पूरे सैजनवा विधानसभा क्षेत्र और आसपास क्षेत्र के जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं फिर से हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारा लोक कल्याण का अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।